लेकिन 2014 के बाद में ये रगड़ा हुआ सब। अपने कैरियर के 30 सालों से पैसा, 28 सालों से पैसा लौटा रही थी, सेबी ने और मोदी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने इसको रोका। अपने चुनाव के समय में 25,000 करोड़ की मांग करी और इसको सेबी को डायरेक्ट आदेश देके इसको बंद करवाया। 5,000 किसी को 10,000 किसी को 15,000 तक का पेमेंट मात्र अभी तक मिला है और 97% लोगों का पैसा आज भी फंसा हुआ। बहुत गरीब गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ जो ये नहीं जानते कि पोर्टल क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है। वो सीधे कहते हैं कि आपने पैसा जमा कराया, हम आपसे पैसा लेंगे। हम लोग प्रताड़ित होते हैं। यहाँ तक कि कस्टमर हमारे जमीन पर जो है कब्जा कर लिए हैं, जो है बोल रहे हैं कि हमारा पैसा वापस करो, वापस दो अपने घर से, नहीं तो तुम्हारी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अभी हम हैं जंतर मंतर पे और मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये PACL कंपनी जो है 2014 में बंद हुई, 1983 से चल रही थी और यहाँ जो उसके लोग हैं, जो जिन लोगों ने पैसा लगाया था यहाँ पे, एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके पैसे को लौटा जाए। सर, किस चीज़ को आप लोग आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम PACL पीड़ित लोग हैं जी यहाँ, और हम 2014 से ये संघर्ष कर रहे हैं। हम निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाई है भारत सरकार। PACL कंपनी एक रियल स्टेट कंपनी थी जो कस्टमर से पैसे के एवज में जमीनें, एग्रीकल्चर लैंड उनको अलॉट करती थी। वो एक मतलब एग्रीकल्चर पर्पज जमीन होती थी, उसी के एवज में निवेश किया था। चाहे तो कस्टमर अपनी जमीन रख ले, वरना उसको एक समयावधि के बाद में उसको पैसा वापस दिया जाता था। अब आप लोगों का क्या, कितना पैसा फंसा हुआ है? हमारा लगभग अगर इंटरेस्ट लगाए तो पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 50,000 करोड़ रुपया अभी PACL कंपनी का भारत सरकार सेबी के अधीन करके वो बंद किए हुए है। सर, क्या डिमांड से आप लोगों की आज आप लोग यहाँ काफ़ी संख्या में आए हुए हैं? हमारी डिमांड ये है कि पिछले 2015 से हम संघर्षरत है, हमारे कोई गवर्नमेंट सुनने वाली नहीं है, प्रजातंत्र में प्रजा की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अमृतकाल चल रहा है और आप कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है? कोई सुने, भले अमृतकाल चल रहा हो लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार हम धरने पर धरने दिए जा रहे हैं और उधर से डेट पर डेट मिलती जा रही है। कितना पैसा लगा हुआ है आपका इस कंपनी में? हमारा कम से कम 40 लाख रुपये लगा हुआ है। 40 लाख आप पर्सनल? पर्सनल, और पूरी टीम का तो करोड़ों में है। करोड़ों में है, हजारों करोड़। हमारा जिला का मैं सिरोही जिले से आ रहा हूँ, माउंट आबू के पास, सिरोही जिले से, गणेश राम मेरा नाम है, और वहाँ का हमारा 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 200 करोड़ का। सर, आपका कितना है? मेरा पर्सनल 6 लाख है इसके अंदर। 6 लाख है? ये चिटफंड कंपनी थी? नहीं, पहले तो सही चल रही थी, ये बाद में हुआ 2014 के बाद नहीं थी, ऐसे मिल रहे थे, बराबर मिल रहे थे, लेकिन 2014 के बाद में ये रगड़ा हुआ सब अगस्त महीने से। क्या आपका भी पैसा वो PACL कंपनी में? मैंने 2001 के अंदर इसको ज्वाइन किया, तो मेरे परिवार का लगभग 2.5 करोड़ जमा है इसके अंदर। जो 2.5 करोड़ मेरे ब्लड रिलेशन जो रखते हैं, और अगर पूरा जैसे मैंने इसमें 12 साल काम किया तो मेरा 86 करोड़ रुपया पब्लिक का मेरी अकेले की तरफ से लगा हुआ है इसमें। एक एक व्यक्ति का एक एक 2-2 लाख, 10-10 लाख, कुछ मेरे पास 6-7 व्यक्ति तो ऐसे हैं जिसमें एक एक व्यक्ति का 30-30 लाख लगा हुआ है इसमें। तो मेरा, आप लोगों ने इतने पैसे जमा क्यों किए थे इसका? जब मैंने काम किया था तब अखबार में आया था कि इस PACL को दी क्लीन चिट काम करने के लिए गवर्नमेंट ने, ऐसा कुछ आया था उसमें। पहले एक चीज, आप इसमें इस कंपनी में काम करते थे कि आपने पैसा लगाया था? मैं वर्कर हूँ एजेंट। तो आपका क्या पैसा फंसा हुआ? आपने भी पैसे अपने लगाए हुए थे? हमने इस PACL कंपनी को जैसे अपनी माँ के ऊपर शक नहीं करते ना, वैसे हम इस PACL कंपनी पे शक नहीं किया करते थे। हमारा और हमारे पूरे परिवार का पैसा हम इसी में निवेश किए, बच्चों की शादी के लिए, मकान बनाने के लिए और अन्य चीज़ों के लिए सारा पैसा हम यही निवेश करते थे, ना बैंक में, ना पोस्ट ऑफिस में, ना और कहीं, क्योंकि हमें विश्वास था। मैंने खुद ने 110 रुपया भी था उनको भी ग्राहक को दिलाया, मैंने मतलब हजारों लाखों रुपये वापस दिलाए भी है। इसमें सबसे अच्छी सुविधा थी, 100 रुपये भी किसी के जमा है तो 100 रुपये भी हमने वापस दिलाए, तो हमारा विश्वास बढ़ा। मैंने कम से कम 3-4 साल लोगों को, पब्लिक को पैसा दिलाया, फिर लोगों का और विश्वास बढ़ा, वो तो लोगों ने फिर क्योंकि किसी की समस्या कहाँ से हो गई? समस्या जब हुई 2012 से, जब ये राजनीति के अंदर आई थी। एक पहले तो शायद इसमें ना सुनते थे कि ODD या तहकीकात करते थे तो क्या होता था,
जैसे कोई व्यक्ति आते थे तो वहाँ एक या दो दिन वहीं रहते थे, वो सारी चेकिंग होती थी। लेकिन अब इस बार क्या करा, सभी के सबसे पहले इन्होंने ऑफिस बंद करके और फिर उन्होंने एकदम ऑफिस बंद करके और सभी को मतलब ऐसे चेकिंग किया, तो लोगों में भ्रमितता फैल गई और फिर धीरे 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 ऑफिस इसके बंद कर दिए गए। और हिंदुस्तान के लोग इस पे विश्वास कर रहे थे, पीएसएल कंपनी के मात्र 5 साल 4 साल और 6 साल के प्लान थे। पीएसएल कंपनी पिछले अपने कैरियर के 28 सालों से पैसा लौटा रही थी। सेबी ने और मोदी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने इसको रोका। उसके बाद मोदी सरकार ने इससे जो है अपने चुनाव के समय में 25,000 करोड़ की मांग करी और इसको सेबी को डायरेक्ट आदेश देके इसको बंद करवाया। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार की पूरी तरह से इसके ऊपर वो जो है वो अपने मतलब जो है कंपनी को बंद करना चाहती है। और गरीब निवेशक है जो देश दुनिया के 6 करोड़ जनता है जिनका पैसा आज तक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोड नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दे दिया कि पीएसएल के पीड़ित लोगों का पैसा दिया जाए, एक एक व्यक्ति का। और गवर्नमेंट के वैल्यूवर ने, गवर्नमेंट की सेबी और जो ओवरसाइट कमेटी बनाई आरएम लोढ़ा साहब की, उन्होंने देश को ये सूचना करी कि हमें 49,000 करोड़ मात्र पीएसएल पीड़ित लोगों का पैसा देना है और हमारे पास 1,85,000 करोड़ की संपत्ति आ चुकी है, तो हम इसको जल्द सेल आउट करके लोगों का पैसा देंगे। परंतु ऊंट के मुंह में जीरा, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000 तक का पेमेंट मात्र अभी तक मिला है और 97% लोगों का पैसा आज भी फंसा हुआ है। कई पीड़ित एजेंटों ने आत्महत्या कर ली, भाग के चले गए, अपनी ज़मीनें बेच गई और कई लोगों का, ग्राहकों का अपनी जेब से लोगों ने पैसा दिया। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एजेंट चोर घोषित हो गए और उन्होंने अपनी संपत्ति बेच के पैसा दिया है, तो वो बेचारे कहीं शादी ब्याह में नहीं जा सकते, सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे, उनका एक तरह से बहिष्कार किया जा रहा है। कैरेक्टर जो है खराब हो चुका है। मोदी सरकार और केंद्र में बैठी सरकार से गुजारिश है और मीडिया कर्मियों से भी मेरी गुजारिश है, सभी पूरे देशवासियों की ओर से, जो पीड़ित लोग हैं उनकी ओर से गुजारिश है कि मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला जी होश में आए और गरीब लोगों का पैसा दे। अगर वो चाहें तो 1 महीने में पैसा दे सकते हैं, उसके बाद भी उनके पास 10 गुना 15 गुना संपत्ति बच सकती है और गरीब लोगों का पैसा दे, यही हमारी गुजारिश है। अगर पैसा नहीं दिया है तो आज 2 फरवरी 2025 का ऐलान हो चुका है, हम लाखों की संख्या में आएंगे और पूरी दिल्ली को घेरेंगे, पूरी संसद को घेरेंगे, चाहे हमें लाठी खाना पड़े, चाहे हमें रोड पर सोना पड़े, चाहे हमको जेल में बंद होना पड़े, हम तत्परता के साथ हमारा पैसा लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आईएएस। कितना पैसा आपका, कितना पैसा फंसा हुआ? मेरा जो पैसा है, मेरा खुद का भी लगभग 15-20 लाख है, मेरे परिवार का सहित। दूसरी बात, क्योंकि हम कार्यकर्ता, बड़ी कहाँ है समस्या, कहाँ पैसा क्यों नहीं लौट रहा है आप लोगों का, समस्या है कहाँ? समस्या सेबी में और लोढ़ा कमेटी में और सरकार में ही, ये पैसा देना नहीं चाह रही है। जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट होता ही नहीं है। मोदी जी हैं, आप कह रहे पैसा नहीं देना चाहते, मोदी जी क्यों नहीं देना चाहते? ईमानदार आदमी है, पूरा देश जानता है, सभी लोग कहते हैं कि न उनकी संतान है, न परिवार से, उन्होंने देश के लिए परिवार छोड़ दिया। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं कि जो है मोदी सरकार पैसा नहीं देना चाहती? हम सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम रोजगार के ऊपर काम करेंगे, गरीब जनता के लिए काम करेंगे और हम देश की किसानों के हित की सरकार है। तो मोदी जी से मेरी गुजारिश है कि जो देश के 6 करोड़ जनता है और अगर उनके एक घर में 5-5 वोट भी होते हैं एक व्यक्ति के, तो 6×5=30 करोड़ जनता पीड़ित है और ये 30 करोड़ जनता अगर चाहेगी ना तो देश की सरकार बदल देगी। 30 करोड़ जनता छोटी मोटी नहीं होती है। और देश, मोदी जी कहते हैं कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मोदी जी के कोई, आपने अभी बोला कि संतान नहीं है, परिवार नहीं है, वो परिवारवाद नहीं चलाते, तो मोदी जी देश का पैसा दे दें क्योंकि उनको जेब से नहीं देना पड़ रहा है। और ये मोदी सरकार भी थी, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी, कांग्रेस की सरकार भी थी, उनको ये पता है कि 30 साल से पीएसएल कंपनी से टैक्स के रूप में पैसा वसूला गया, तो वो टैक्स का पैसा सरकार के पास आया, तो उनको ये पता नहीं चला कि ये कंपनी फ्रॉड है।
उनको ये देखना चाहिए कि सरकार को जब टैक्स के रूप में पैसा आया लाखों करोड़ों रुपया पूरे देश से और ये कंपनी चल रही है, तो उसी समय में कंपनी की जांच करना थी। कंपनी को सरकार से अनुमति मिली, पूरे भारत में काम किया, लोगों का निवेशकों का पैसा लिया और रिटर्न भी कर रही थी, पर इन्होंने अचानक उनको बंद कर दिया, उनके सारे ऑफिस बंद कर दिए। सरकार ने बंद करवाया, सरकार सेबी ने बंद करवाया। तो कंपनी कुछ गलत कर रही होगी तो बंद करवाया हो। देखो साहब, गलत तो नरेंद्र मोदी सरकार भी करती है, क्या उनके मंत्री नहीं कर रहे हैं, क्या उनके सांसद नहीं कर रहे हैं? और सरकार की जवाबदारी बनती है कि अगर कोई कमेटी या कोई हमारे पब्लिक का पैसा हर हाल में मिलना चाहिए, और इसमें बहुत गरीब गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ जो ये नहीं जानते कि पोर्टल क्या होता है, ऑनलाइन क्या होता है। वो सीधे कहते हैं कि आपने पैसा जमा कराया, हम आपसे पैसा लेंगे। हम लोग प्रताड़ित होते हैं, और ये सेबी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानती है। 16 फरवरी 2016 को पता है सेबी की जो अभी चीफ है माधवी पुरी बुच, उनके ऊपर भी आरोप लगा है। उस समय जब ये कंपनी, उस समय कोई और होंगी हेड, लेकिन अभी जो सेबी की जो चीफ है माधवी पुरी बुच, उनके ऊपर भी आरोप लगा है कि शेयर मार्केट में वो धोखाधड़ी करती हैं। उनके कुछ आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उनके ऊपर आरोप भी लगा है, वो सत्य भी है। और सेबी के कार्यालयों में जहाँ जहाँ भी इसका कार्यालय है, और सेबी का जो हेड ऑफिस दिल्ली बांद्रा बॉम्बे बांद्रा कुर्ला में, हम लोगों ने वहाँ पे भी जाके पीड़ित परिवारों ने जाके उनसे गुहार करी है, हमने पर्सनल रिक्वेस्ट किया है, हमारी केंद्रीय कमेटी ने भी रिक्वेस्ट किया है, और हमने ये बोला कि साहब अब मामला आपके हाथ में आ गया, आप पैसा देने का प्रोसेस करें। और रही बात जो ऑफिस में 70% लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं, डाटा आपके पास है, आप उनका पेमेंट देने का काम करें। आप लोगों को क्या लगता है मनसा किनकी खराब है, कौन नहीं देना चाहता है? सेबी नहीं देना चाहती है, सरकार नहीं देना चाहती? सेबी और सरकार दोनों की मनसा। देखिए एक बात बता दूं, ना के बराबर दिया, जैसे 1% लोगों को मिला केवल पैसा, और ऑनलाइन कराने के लिए जिस समय उसने कहा कि ऑनलाइन कराइए सबको पैसा मिलेगा। आपका कितना पैसा फंसा? हमारा ज्यादा पैसा नहीं फंसा है, हमारा 30,000-40,000 है। आपका? हमारा जो है 15 लाख है। 15 लाख सर आपका? सर मेरा पर्सनल का जो है 4,80,000 रुपये जमा है, और मैंने कस्टमरों से जो है 15-20 लाख रुपये जमा कराया है। यहाँ तक कि कस्टमर हमारे ज़मीन पर जो है कब्जा कर लिए हैं, जो है बोल रहे हैं कि हमारा पैसा वापस करो, वापस दो अपने घर से, नहीं तो तुम्हारी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। हमारा से आए हैं, हम बलिया से आए हैं सर। जो है नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।